एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फर्स्ट देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल हैज ब्लैंक डायगोनल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ दो डायगोनल्स होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे टू। सेकेंड है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल्स। यहाँ पर आएगा ट्राइंगल्स, बिकॉज किसी क्वाड्रिलेटरल को दो डायगोनल्स, जब किसी क्वाड्रिलेटरल को देखिए, जैसे कि ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पर जब कोई डायगोनल इसे कट करेंगे, कोई एक डायगोनल अगर कट करता है, डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल, द डायगोनल, कोई एक डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में कट करता है। यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे टू ट्राइंगल्स। थर्ड है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का, इन सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जबकि एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम होता है 180 और दूसरे ट्राइंगल का सम हुआ भी 180, तो 180 प्लस 180 हुआ 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? फोर्थ, ब्लैंक पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। कितने पेयर्स अपोजिट एंगल्स के बनते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में? तो देखिए यहाँ पर ये एक अपोजिट एंगल का पेयर बना और ये बना दूसरा पेयर, तो यहाँ पर आएगा टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। नंबर फाइव, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज ब्लैंक वर्टिक्स। कितने वर्टिक्स होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में? देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 and 4, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो उसमें फोर वर्टिक्स होते हैं। अमोंग विच मोर देन ब्लैंक वर्टिक्स कैन नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में देखते हैं हम कितने वर्टिक्स आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ये है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को लें, हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए केवल दो वर्टिक्स है, तीसरा और चौथा हम स्ट्रेट लाइन में नहीं ले सकते। उसी तरह से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को लेते हैं इस वाली को, तो यहाँ पर 1 and 2 वर्टिक्स है। जब इसमें हम उन्हीं वर्टिक्स को लेंगे जो क्वाड्रिलेटरल बनाने में सहायक है, तो यहाँ पर ये दो वर्टिक्स है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा टू वर्टिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में थ्री वर्टिक्स दिया है, बट थ्री वर्टिक्स कभी भी एक लाइन में नहीं आ सकते किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो यहाँ पर आंसर आएगा टू वर्टिक्स। नंबर टू इज, फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ एंगल्स विच आर पॉसिबल ग्रुप्स फॉर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ एंगल्स का पेयर दिया हुआ है, जो चार एंगल्स के यहाँ पर मेजरमेंट दी हुई है। अगर यहाँ पर ये पॉसिबल है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनने में पॉसिबल है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसके लिए अगर हमें चारों एंगल्स को दिया हुआ है, तो हम इनका सम करके देखेंगे कि क्या इनका सम 360 डिग्री होता है। यहाँ 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 145 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ 60 प्लस 70 130 डिग्री, 130 प्लस 80 210 प्लस 145 डिग्री। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, ये एंगल फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 75 and 135 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो एंगल यहाँ 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 135 डिग्री हम ऐड करते हैं। 75 प्लस 75 150 प्लस 75 कितना हुआ यहाँ 5 225 प्लस 135 360 डिग्री। तो यहाँ पर होगा यस, ये एंगल फॉर्म हो सकता है। थर्ड हम देखते हैं 102, 150 डिग्री, 40 डिग्री and 68 डिग्री। यहाँ पर 102 प्लस 150 हम करते हैं, तो ये आता है 252 डिग्री, और 40 प्लस 68 हम कर लेते हैं 360। तो यहाँ पर आता है सम 360 डिग्री, तो यहाँ पर भी होगा यस, ये एंगल फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर फोर्थ में है 90 डिग्री के फोर एंगल्स हैं 90 90 90 एंड 90। तो
तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 94 जा होता है 36, सो इनका सम होगा 360 डिग्री। तो यहाँ होगा यस, ये एंगल फॉर्म हो सकता है। केवल इस मेजरमेंट के एंगल फॉर्म नहीं हो सकते, फिर जिन एंगल्स की मेजरमेंट का सम 360 डिग्री है वो एंगल सम फॉर्म करके एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री इफ वन ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स इज 65 डिग्री, डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। तो अगर हमें फर्स्ट और सेकंड एंगल को सप्लीमेंट्री बताया गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड एंगल का सम है 180 डिग्री, तो इसे हम ले लेते हैं, लेट द टू एंगल्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर ये हमें गिवन है, इसे हम लेट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री हो जाता है, यस ये 65 डिग्री है। फोर्थ एंगल डी इज इक्वल टू, हमें ये एंगल डी को हमें फाइंड करना है, तो हम यहां लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। अब एंगल ए प्लस बी इन दो को हम एक साथ लेंगे 180 डिग्री, इसे सप्लीमेंट्री कहा गया इसलिए हम 180 डिग्री लेंगे, प्लस सी को हम ले लेंगे 65 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को हम सम करते हैं 5, 8 प्लस 6, 14, 245 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5, 6 माइनस 4, 6 से यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4, 1, 3 माइनस 2, 1, 115 डिग्री होगा हमारा फोर्थ एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 70 डिग्री इच एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल, डिटरमाइन द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पर हमें कहा गया किसी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स 70-70 डिग्री के हैं और जो बाकी के दो एंगल्स हैं दोनों इक्वल हैं, तो हमें इन सभी एंगल्स को इक्वल एंगल्स को हमें मेजर करना है कि वो कितने डिग्री हैं। तो लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड टू एंगल्स आर 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने इक्वल एंगल्स को, दो इक्वल एंगल्स हैं एंगल ए एंड बी, एंगल ए और बी है एक्स डिग्री और एंगल सी और एंगल बी हो गया यहाँ पर 70-70 डिग्री के, तो हम ले लेते हैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए और बी को हमने लिया है एक्स प्लस सी है 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस x हो गया 2x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री 2x। अब यहाँ हम लेते हैं 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 140 डिग्री, 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 में से 0, 0, 6 माइनस 4, 2, 3 माइनस 1, 2, 220 डिग्री, x इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 2 110 डिग्री, मतलब एक एक एंगल 110 डिग्री का होगा x की वैल्यू क्योंकि 110 है, एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमें जिस चीज को फाइंड करने को कहा जाता है हम उसे ही एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सभी एंगल्स को बताया गया कि वो इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल है, तो हम सभी को ले लेते हैं एक्स। लेट द एंगल्स इच एंगल, यहां लिखेंगे हम इच एंगल बी एक्स डिग्री, यहां पर हर एंगल एक्स डिग्री हम ले लेते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0, x इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अगर सभी एंगल्स इक्वल है तो उनकी मेजरमेंट होगी 90 डिग्री। यह है यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री एंड 105 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो हमें दो एंगल्स को दिया गया है और बाकी के दो एंगल्स इक्वल है ये बताया गया है। तो फर्स्ट एंगल इज 65 एंड सेकेंड एंगल इज 105 डिग्री। लेट द रिमेनिंग इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री। दोनों एंगल्स एक्स डिग्री के होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके पहले आपको यहाँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिखनी होगी। एंड 65 एंगल ये हम लेते हैं 65 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको हम ऐड करते हैं 5 + 5 = 10, 6 + 1 = 7 एंड 170 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री। यहाँ पर हमारा 170 2x का प्लस में है इसलिए वो ट्रांसफर होके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 360 में से हम 170 माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 16 में से 7 हमने माइनस किया तो 9 आएगा यहाँ पर एंड 2 माइनस 1 190 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये हमने 2 को इधर ट्रांसफर किया तो आएगा यहाँ पर 2 9 = 18 एंड 2 5 = 10 95 डिग्री। जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं वो 95 डिग्री और 95 डिग्री के होंगे। इज दैट क्लियर। नंबर 7, रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3 5 7 9, 3:5:7:9 में है। डिटरमाइन द मेजर ऑफ इच एंगल्स। यहाँ हम रेशियोस ले लेते हैं। लेट द एंगल्स बी 3x 5x 7x एंड 9x। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर रेशियो दिए हुए हैं तो हम सीधे सीधे रेशियो के साथ x लगाकर उन्हें ऐड कर देंगे। अभी ना हम ऐड करते हैं 5 + 3 = 8, 8 + 7 = 15, 15 + 9 = 15, + 5 = 20, 20 + 4 = 24, 24x is equal to 360 degree, x is equal to 360 degree upon 24, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, is equal to 30 / 2 = 15, x की वैल्यू आई 15। अब फर्स्ट एंगल 3x is equal to, यहाँ फर्स्ट एंगल हम लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 3 × 15, 15 × 3 = 45 डिग्री। सेकेंड एंगल 5x इज इक्वल टू 5 × 15, 15 × 5 = 75 डिग्री। 7x 7 × 15 105 डिग्री। 9x 9 × 15 135 डिग्री। नंबर 8 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ राइट एंगल। यहां पर कहा गया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स का सम किसी राइट एंगल के फोर टाइम्स होता है, 4 गुना होता है। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री। तो वैसे भी किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सो इट इज ट्रू, फर्स्ट यहां पर आएगा ट्रू। सेकेंड हम देखते हैं, वन डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इंटू 4 ट्राइंगल्स। एक डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। नो, इट इज फॉल्स। यहां पर हम लिखेंगे वन डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इंटू 2 ट्राइंगल्स। कोई भी एक डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, वो उसे 4 ट्राइंगल्स बिल्कुल नहीं बना सकता।
उससे सिर्फ दो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं। नंबर थ्री है यहाँ पर, थ्री देर आर फोर पेयर ऑफ एडजेकेंट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में एडजेकेंट एंगल्स के फोर पेयर बनते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को आप, यहाँ पर ये एक एडजेकेंट एंगल का पेयर हुआ, यहाँ पर ये हुआ दूसरा एडजेकेंट एंगल, एक तो ये दोनों होंगे, दूसरे ये दोनों, तीसरा होगा ये दोनों और चौथे होंगे ये दोनों। इस तरह से फोर पेयर्स बनेंगे, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर थ्री हुआ ट्रू। नंबर फोर, फोर्थ में देखिए, देर आर फोर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल के फोर पेयर्स बनते हैं, नहीं ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अपोजिट एंगल का एक पेयर हुआ और ये हुआ दूसरा पेयर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। नंबर फाइव देखते हैं हम, तो यहां पर फोर्थ में हम लिखेंगे फॉल्स, ये हमारा आंसर फॉल्स था, हमने ये ट्रू स्टेटमेंट लिखी है। नंबर फाइव, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी 90 डिग्री। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एंगल 90 डिग्री हो किसी क्वाड्रिलेटरल का, ये बिल्कुल भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि 90 डिग्री का हर एंगल हो सकता है किसी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे कि हम रेक्टेंगल देखते हैं वहां पर 90 डिग्री का हर एंगल होता है, स्क्वायर में हम देखते हैं हर एंगल 90 डिग्री का। तो यहां पर लिखेंगे हम इट इज पॉसिबल, हम यहां से नॉट हटा के लिखेंगे इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट इच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 90 डिग्री। हर एंगल यहां पर 90 डिग्री का हो सकता है, ये पॉसिबल है। नाइन इज थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 80 डिग्री इच, डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। अगर थ्री एंगल्स 80 डिग्री के हैं सभी, तो हमें फोर्थ एंगल को यहां पर फाइंड करना है, तो हम ले लेते हैं लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री अप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ए में हम ले लेते हैं 80 डिग्री प्लस बी 80 डिग्री प्लस सी 80 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि तीन एंगल्स 180 डिग्री के हैं, तो हमने तीनों को ले लिया 80 80 80। अब ये हो जाएंगे 240 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 240 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 माइनस 40 20, 3 माइनस 2 1 120 डिग्री। तो यहाँ पर फोर्थ एंगल होगा 120 डिग्री का। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.1 के। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।